हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में हम क्लास 8 की इंग्लिश की हनी ड्यू बुक का चैप्टर 2 कवर करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज द सुनामी, रिटन बाय सोनाली देरानी अगला। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे हम स्टोरी का पार्ट 1 कवर करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर लेट अस सी द टाइटल द सुनामी। नाउ व्हाट इज सुनामी? सुनामी इज अ कैलामिटी, इट्स अ नेचुरल अकरेंस। जब सी बेड में अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से पानी की लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज पानी की लहरें इस तरह से उनमें एक हलचल आती है। तो जब पानी की लहर बहुत ऊंची हो जाती है वो इसी ऊंचाई के साथ लैंड के ऊपर जाकर गिरती है एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो इन दिस चैप्टर अ मेजर सुनामी दैट अकर्ड ऑन 26 दिसंबर 2004, उससे होने वाली अलग अलग जो इंसिडेंसेस हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। जस्ट लाइक व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, व्हाट इज सुनामी? सुनामी एक बहुत ही बड़ी लहर को कहते हैं। पानी में जो लहरें उठती हैं तो ऐसे ही एक बहुत ही बड़ी लहर को सुनामी कहा जाता है। ये लहर इतनी बड़ी क्यों होती है? क्योंकि ये अर्थक्वेक की वजह से बनती है। समुन्दर के नीचे जो बेल्ट है अर्थ की, अगर उसमें अर्थक्वेक आ जाए तब ये सुनामी फॉर्म होता है। ऐसे ही 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत ही पावरफुल सुनामी आया था जिसने थाईलैंड और इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु कोस्ट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की थी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो इस चैप्टर में हम इसी सुनामी के दौरान कुछ हुई इंसिडेंसेस की कहानियां पढ़ेंगे। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि क्या जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाला है, तो इसका आंसर है यस। कुछ कहानियों में हमें ये चीज पता चलती है और हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि एनिमल्स को पहले से ही अंदेशा हो जाता है कि एक सुनामी आने वाला है। तो अब हम ये इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं। दी स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलाजो। आर्किपेलाजो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एज वी ऑल नो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसे हम आर्किपेलाजो कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम कहानियां पढ़ेंगे ये सब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कहानियां हैं। और इस इमेज में भी आप जो देख रहे हैं सीन, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक आइलैंड है जहां पर जब सुनामी हिट हुई तो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई। आप देख सकते हैं लैंड पर पूरा पानी आया हुआ है और सारे व्हीकल्स सब चीजें पानी से वॉश ऑफ हो गई हैं। पिग्नेसियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो निकोबार ग्रुप है आइलैंड्स का, वहां पर ये आइलैंड है कच्छल। इग्नेसियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था, वो कच्छल में रहता था। सुबह 6 बजे उसकी वाइफ ने उसे जगाया क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि एक अर्थक्वेक आया है, उसने अर्थक्वेक फील किया। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो Ignatius ने क्या किया? उसने अपना टीवी दीवार से उठाकर नीचे फर्श पर रख दिया ताकि वो गिर के कहीं टूट ना जाए क्योंकि अर्थक्वेक आया है। Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising. अब वो दौड़ के जब घर से बाहर गए तो उन्होंने क्या देखा? जब अर्थक्वेक के झटके बंद हो गए उसके बाद समुन्दर का जो लेवल है वो एकदम से राइज कर रहा था, बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक के बाद पानी में जो हलचल हुई उसकी वजह से एक बहुत बड़ी लहर बनकर उनकी तरफ आ रही थी। इन द केओस एंड कंफ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। केओस मीन्स कंफ्यूजन, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जब आप ठीक से सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, पजल्ड हैं। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी बिकॉज उन्होंने देखा कि अर्थक्वेक आया है और अब पानी में इतनी बड़ी लहर आ रही है,
कि इग्नेसियस के दो बच्चों ने अपने नाना और मामा के हाथ पकड़ लिए और वो अपने फैमिली से ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लग गए। ही नेवर सॉ देम अगेन। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव। तो उसने अपने ये दो बच्चे और अपने बच्चों के नाना और मामा को दोबारा नहीं देखा, मीन्स वो सुनामी में बह गए। उसकी वाइफ भी सुनामी में बह गई। सिर्फ वो तीन बच्चे जो इग्नेसियस के साथ गए थे वो बच गए। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये हमारी सेकेंड स्टोरी है, ये संजीव की है जो कच्छल आइलैंड में एक पुलिसमैन था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. अब संजीव ने अपनी फैमिली को इन लहरों से बचा लिया, सुनामी से बचा लिया। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. अब वो जहाँ रहते थे वहाँ पास में ही एक गेस्ट हाउस था और गेस्ट हाउस में जो कुक काम करता था उसकी वाइफ यानी कि जॉन की वाइफ चिल्ला रही थी मदद के लिए और संजीव ने उसकी मदद की। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव पानी में वापस छलांग लगा देता है जॉन की वाइफ की मदद करने के लिए, लेकिन लहर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि दोनों ही उसमें डूब गए तो संजीव भी नहीं बचा। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. This is the third story of Meghna. She is 13 years old. वो भी पानी में बह गई, उसके parents भी पानी में बह गए और साथ साथ 77 और लोग थे जो इस सुनामी में बह गए। So we can see the amount of destruction that the tsunami caused. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. मेघना पूरे 2 दिन तक पानी में तैरती रही। उसके हाथ एक टूटा हुआ दरवाजा लग गया था तो उस दरवाजे के ऊपर वो लेट गई और वो इस तरह पानी में तैरती रही फॉर 2 डेज। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। अब जब वो 2 दिन के लिए ऐसे समुन्दर में इधर उधर भटक रही थी तो उसे ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स भी दिखे जो लोगों का रेस्क्यू कर रहे थे, लोगों को बचा रहे थे, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स को कभी भी मेघना नहीं दिखी, इसलिए उसे किसी ने भी बचाया नहीं। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. Daze is a state of confusion. अब ऐसे ही एक पानी की लहर मेघना को समुन्दर के किनारे शोर पर ले आई और फिर वो सी शोर पर यानी कि समुन्दर के किनारे चल रही थी इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। वो बेचारी पगला गई थी, बौखला गई थी कि ये उसके साथ क्या हुआ। अलमास जावेद वॉज 10 years old। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कामल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वे हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ अलमास जावेद। जब ये सुनामी आया तब वो 10 years की थी। वो पोर्ट ब्लेयर में कामल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और उसके फादर का पोर्ट ब्लेयर में एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। नाउ वेयर इज नैनकाउरी आइलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है नैनकाउरी आइलैंड। यहाँ पर रहीला जो कि अलमास की मदर है उनका फैमिली होम था और वो लोग वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. Recede means to go back. जब अर्थक्वेक आया तो सब लोग अपने घर पर सो रहे थे और अलमास के फादर ने देखा कि समुन्दर का पानी पीछे जा रहा है। समुन्दर का पानी इतना ज्यादा पीछे चला जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, ये एक अंदेशा होता है कि अब एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है। He understood that the water would come rushing back with great force. अब उसे ये पता चल गया कि जो पानी का लेवल कम हो रहा है ये क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यही पानी वापस आएगा बहुत ज्यादा फोर्स के साथ। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. तो वो एकदम से चकन्ना हो गया, उसने घर में सब लोगों को उठा दिया और कहा कि भागो यहाँ से, किसी सुरक्षित जगह पर चलना है क्योंकि पानी में एकदम से सुनामी आने वाला है। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. अब जब ये लोग इतने confusion में दौड़ रहे थे,
अलमस के नाना जी के सिर पे कोई चीज लगी और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। अब अलमस के फादर उसके नाना जी की मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन तभी पहली बड़ी लहर आई सुनामी की और दोनों उस लहर में बह गए। अलमस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अलमस की मदर और उसकी आंट्स सब एक कोकोनट ट्री के पत्तों के साथ चिपकी हुई थी और वो अलमस को भी बुला रही थी कि तुम यहाँ पर आ जाओ। क्लिंगिंग मीन्स हैंगिंग, किसी चीज के साथ चिपक के खड़े हो जाना। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। अब पानी की बहुत बड़ी लहर आई और उसने इस पेड़ को भी तोड़ दिया जिस पेड़ पर अलमस की मदर और आंट्स चिपकी खड़ी थी। तो जैसे ही पेड़ टूटा वो पानी में बह गया और साथ ही वो सब भी पानी में बह गई। अलमस saw a log of wood floating, she climbed onto it, then she fainted. अलमस को क्या दिखा? पानी में एक लकड़ी का लॉग दिखा। लॉग इज अ पीस ऑफ वुड। वो लॉग पानी में तैर रहा था तो अलमस उस लॉग के ऊपर क्लाइंब कर जाती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन वो उसी लॉग के ऊपर तैरती रहती है। When she woke up, she was in a hospital in Kamota. From there, she was brought to Port Blair. अलमस बच गई क्योंकि वो उस लॉग ऑफ वुड के ऊपर थी जिस पर वो तैरती रही। जब वो उठी, मींस वो बेहोश हो गई थी, तो जब वो उठी वो कमोटा नाम की जगह के एक हॉस्पिटल में थी और वहां से फिर उसे पोर्ट ब्लेयर लेकर जाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. Traumatized means greatly shocked. So, अभी भी उसे शॉक है और वो किसी से भी इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती। Obviously, she lost her entire family and she does not know really what happened. It was such a big devastation for her. So, with this, we come to an end of part one of this chapter and we'll continue the story in the next part. Thank you for being with me, and for more updates on uploads of next chapters, please subscribe to the channel. Thank you.